नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जब हम चलते हैं तो हमारे कदम हमेशा आगे की साइड बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे की साइड चलेंगे या पीछे देखेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो और जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं वो हमारे लिए बहुत दूर हो जाएगी। तो मैं यही बोलूंगी कि पीछे का सारा कुछ भुला करके हमेशा आगे बढ़िए, क्योंकि जो बीत गया है यानी कि जो पीछे छूट गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो उसे भूलकर हमेशा आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने से हो सकता है हमारी जो मंजिल है वो हमें मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने नेम प्लेट बनाया है और उस नेम प्लेट के अंदर मैंने नाम नहीं लिखा था, क्योंकि मैंने बोला था कि आप मुझे नाम सजेस्ट करिए कि मुझे इसके अंदर क्या लिखना है। बहुत प्यारे प्यारे नाम आए थे, बहुत लोगों ने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए, काफी सारे नाम बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने उस नेम प्लेट के ऊपर क्या लिखा है ये आपको वीडियो के बीच में कहीं भी मालूम चल जाएगा, तो वीडियो को विदाउट स्किप देखिए। ये टैप रोल है और ये है मिठाई का डिब्बा, तो दोनों ही खाली है, टैप रोल भी खाली है और मिठाई का डिब्बा भी खाली। चलिए फेंक देते हैं, नहीं फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आज हम इनका ही यूज करके बहुत सुंदर आर्ट बनाने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए मैंने क्या बनाया है। यहाँ मुझे टैप रोल के नाप के पहले तो दो सर्कल चाहिए जो एकदम प्लेन वाले हों, तो वो मैंने मिठाई के डिब्बे से निकाले और कुछ मैंने कार्डबोर्ड के भी काटे हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्लू लगा करके नहीं, जो मिठाई के डिब्बे से निकाला है उसको स्टिक किया है। ग्लू भी अच्छा सा लगाऊंगी जिससे कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए, और फिर उसके बाद में उसके अंदर कार्डबोर्ड से जो सर्कल काटे हैं वो मैंने अंदर की साइड से निशान लगाकर काटे हैं, तो वो इसके अंदर फिक्स हो गए। तो एक दो फिक्स करने के बाद में मुझे लगा ये तो बहुत सारे लग जाएंगे, तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जल्दी से स्पेस बढ़ जाए। तो मैंने तो यहाँ पे स्पॉन्ज डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे स्पॉन्ज के पीस है वो मैंने इसमें डाल दी है। आप चाहे तो न्यूज पेपर गुड़मुड़ी करके यानी की फोल्ड करके इसमें भर सकते हैं। और उसके बाद में एक दो सर्कल लगाए जिससे कि ऊपर का जो हम सर्कल लगाएंगे उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो दो सर्कल लगाने के बाद में जो मिठाई के डिब्बे से मैंने सर्कल काटा था उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और काटा है मैंने, और उस पीस को भी मैंने अंदर लगा दिया है और ऊपर से अच्छा सा ग्लू लगा करके इसको भी स्टिक कर दिया। तो आज मैंने अपना इस तरह से पूरा बेस बनाया है, तो देखना चाहेंगे मैंने उसके अंदर क्या लिखा है। तो ये देखिए मैंने लिखा है श्री राधे। तो बहुत कमेंट थे कि श्री राधे लिख लीजिए, राधे राधे लिख लीजिए या श्री कृष्ण लिख दीजिए, तो मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया है शुभलाभ का जो अभी अभी डाला है, उसके अंदर मैंने एक प्राइज निकाला है, क्योंकि 25 के मेरे पूरे होने वाले हैं और वो आप सबके सपोर्ट से ही पूरे हो रहे हैं। तो जो मैंने प्राइज निकाला है उसके लिए आप वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहीं जा करके आपको पड़ेगा कि मैंने क्या निकाला है। तो वीडियो को जरूर देखिए, वो वीडियो ये वाला है। मैंने एक वीडियो बनाई थी माउंट मार्टे क्लेस, जिसके अंदर लिप्पन आर्ट बनाई थी, और लिप्पन आर्ट बनाने के बाद में काफी जगह से वो सूखने के बाद श्रिंक हो रहा था और इस तरीके से वो काफी सारे जॉइंट भी अपने फूट गया था। तो हमें लगा था कि ये क्ले इसके लिए तो परफेक्ट नहीं है लिप्पन आर्ट के लिए, पर मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके साथ में कोई और चीज बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूं। तो आज मैंने माउंट मार्टे क्ले से ही ये चीज बनाई है, क्योंकि मेरे पास में रखा हुआ था, लेकिन आप इसकी जगह अपना मोल्डेड क्ले भी यूज कर सकते। मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है और बेलने के बाद ये मेरे पास में कुछ एक दो डिजाइन के ब्लॉक हैं, वो मैं आज यूज कर रही हूँ। तो मैंने इसी से डिजाइन बनाया है। डिजाइन को इस तरीके से रखने के बाद हाथ से प्रेस किया और देखिए आप कितना सुंदर डिजाइन आ गया है। अब मैं इनको अपोजिट रखती चली गई, एक इधर की साइड रखा, एक सामने की साइड रखा, तो इस तरह से जो डिजाइन है वो अपोजिट में बनता हुआ आ गया और बहुत अच्छा सा डिजाइन बन गया है। ब्लॉक से हमारी पूरी एक क्ले के ऊपर बेल बन गई है। अब ऊपर और नीचे की साइड जो अनिकल है वो भी मुझे सही करना है, तो ये कैसे करूँ, क्योंकि नाइफ से काटूंगी तो शायद सही से नहीं आएगा, तो मैंने इसको पिज्जा कटर से कट कर दिया है। पिज्जा कटर बिल्कुल सीधा एकदम चल गया और बहुत अच्छा सा कट हो। कई बार इतनी छोटी छोटी चीजें हमारे घर में होती है कि हम आर्ट में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, पर टैप रोल जो मैंने अभी बेस बनाया था वो मुझे थोड़ा सा थिक और करना है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला कार्डबोर्ड लगाया है, क्योंकि ये आसानी से गोल घूम जाता है। और उसके बाद अच्छे से ग्लू लगा करके जो हमने डिजाइन बनाया है उसको मैंने स्टिक कर, तो आप देखिए बहुत अच्छे से स्टिक करना है क्योंकि ये जगह छोड़ जाता है, पर मैंने खूब सारा ग्लू लगाया है और ऊपर नीचे अच्छे से चिपका दिया।
इसी किले की एक लंबी सी डोरी बना करके मैंने ऊपर लगा दी है, एक बॉर्डर बना दिया है। तो चलिए यहाँ भी थोड़ा सा मैं डिजाइन बना देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगेगा प्लेन की अपेक्षा डिजाइन। अब इसे हम ट्राई होने देंगे। और एक मैं आपके साथ बना रही हूँ और एक मैंने पहले से बना के रखा है, क्योंकि आर्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो क्योंकि सेम ही चीज है तो इसलिए मैंने पहले से बना के रखा। आज मैंने चौक पेंट किया है। वैसे मुझे चौक पेंट आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ ये कलर देने के बाद बॉर्डर पर मैंने अलग कलर दिया है, ये थोड़ा सा पिंक कलर पर है और थोड़ा गाजरी पिंक, एक बहुत अच्छा सा कलर है। और ग्रीन कलर भी हमारा बहुत लाइट सा है, कोई ग्रीन नहीं है, एक अलग सा ग्रीन है, तो ये दोनों का मैचिंग बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर मैं पहले भी दे चुकी हूँ अपनी एक आर्ट में, वो भी मैंने शायद मोंटमार्टर के लिए से ही बनाई थी। हाँ, वो भी मैंने उसी से ही बनाई। और इसके अंदर जो बॉर्डर कलर दिया था ग्रीन वाला, तो दूसरे वाले में मैंने इसका कलर दिया है और उस वाले कलर का जो कलर है बेस मैन, उसका मैंने बॉर्डर किया है। तो दोनों को थोड़ा अपोजिट कर दिया है, पर अच्छे लग रहे हैं दोनों। दोनों कलर हो जाने के बाद तैयार हो गए और सुंदर भी लग रहे हैं। तो चलिए ऊपर जो जगह है, जो खाली जगह, वहाँ मैं मिरर लगा देती हूँ। और मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के मिरर लगाए हैं, क्योंकि आज की जो थीम है थोड़ी गोल्डन है और अच्छा भी लग रहा है। कलर के ऊपर गोल्डन कलर जम भी रहा है। तो ये ब्रोकन गोल्डन है, काफी सारे थे मेरे पास में, तो मैंने उसी में से बोए लगाए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कुंदन, पर्ल, मिरर या फिर कॉर्नबक्स भी कर सकते। अब यहाँ पर मैंने जो डिजाइन बनाया था ब्लॉक से फ्रेंड्स, उसके ऊपर स्पॉन्ज से हल्का हल्का गोल्डन टच दिया है। और उसके बाद जो भी डिजाइन है वो बहुत क्लियर और बहुत सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ मैंने दो डिजाइन बनाए हैं, एक मैंने आपके साथ में बनाया है ये वाला, और ये दूसरा लीफ वाला मैंने बना के रखा है। तो दोनों ही डिजाइन बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, देखा आज आपने, हमने जो एक टेप रोल और मिठाई के डिब्बे का कितना अच्छा यूज किया है, बहुत सुंदर ये कैंडल्स बन गए हैं। इनका लुक बिल्कुल सिल्क लुक दिख रहा है, जैसे साड़ी में लुक होता है सिल्क का, बिल्कुल वही लुक इसके अंदर है। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज मैंने जो क्ले यूज किया है, वो क्ले अभी मेरे पास थोड़ा सा और बचा है, अगर मैंने कुछ और बनाया तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। और एक बात जो कि बहुत जरूरी है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी मेरे 25 के पूरे होंगे, उतना ही जल्दी आपके पास में भी तो गिफ्ट आएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।